कांशी टीवी देख रहे मेरे प्यारे वीरों, मेरे प्यारी भैनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वालों भगवंत सिंह वालों आप सब जी ने जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान, प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम भगते मसले लैके हाजिर हुए हैं, आप सब का कांशी टीवी पर स्वागत है। मेरे वालों आप सब फिर जी सलाम है, सत श्री अकाल। अज मेरा साथ देने वाली भगते मसले दे विच मेरे प्यारे दोस्त साजिद हुसैन जी आए ने, जिहड़े वोलसल तो ने, ते उन्हां वल्लों आप सब नूं जय गुरुदेव सलाम सत श्री अकाल। सलाम सब व्यूअर्स को। ते अज जिहड़ा साडे कोल भगते मसले दे विच दोस्तों असीं जिहड़ी गल करन आए हैं वह है कि जिहड़ा युद्ध, जिहड़ी लड़ाई, जिहड़ी जंग, जिहड़ी वॉर चलदी पई आ इज़राइल ते फलस्तीन दे विच, उस दे बारे गल करांगे कि इस दे विच लड़ाई दे विच जो नुकसान होया उस दे बारे गल करांगे। दोस्तों असीं बिल्कुल कोशिश करते हमेशा कि निरपक्ष होकर गल करिए, पर फिर भी जाने अनजाने दे विच तुसीं किसे ना किसे पास्यों हमायत कर जांदे हो, क्योंकि एक सुभाव वालों मनुख ज़्यादा ज़्यादा लोग जिहड़े हैगे ने उह चंगे सुभाव दे हुंदे ने, जिहड़े दुख दूसरे का दुख देख के जिहनां नूं तकलीफ हुंदी है, जिहड़े खास करके असीं ला लो जिहड़े असीं कांशी टीवी ते आउंदे आ, असीं हमेशा गरीब नाल मजलूम नाल खड़दे आ, हमेशा वह गल करदे आ जिस नाल किसे नूं राहत मिले। तो असीं जिहड़ी अज गल करांगे कि जिहड़ी जिहड़ी ट्रैजडी है, जिहड़ी दुखदाई गल है कि जिहड़ा बम इज़राइल ते उत्ते बेशक हमस वालिआं ने मारे आ, सानू उत्थे मरियां मावां, उत्थे मरियां धीआं, उत्थे मरे बच्चों का भी उन्ना दुख है जिन्ना सानू फलस्तीन दे विच जो इज़राइल ने तबाही की आ उस नाल कितने ज़्यादा आ। सानू दोहां दा पास्यों का बहुत दुख है कि असी माँ तो माँ आ, बच्चा तो बच्चा, एक खेलता बच्चा, नादान बच्चा जिसनों बंबा दे नाल मार दिता जा रहा, वो एक बहुत ही घिनौनी, बहुत ही दुखदायक है। तो यह असी चाहते हैं कि असल दे विच जिहड़ा इहनां विचों फैसला करना कि असल दे विच बहुता जाबर कौन है, कौन ज़्यादा जुल्म करता पिया, ये तुसीं डिसाइड करना आ, तुसीं देखना आ कि किस तरह लगभग जसों 7 अक्तूबर नूं जिस दिन यह लड़ाई शुरू हुई सी, हमस ने कहिंदे ने कि उन्होंने बंबारमेंट की है, उन्होंने 7000 जिहड़ा बंब सिटिया आ इज़राइल दे उत्ते, ते 1400 दे करीब वो दसदे कि साडा बंदा मारिया गया, ते इन्हां ने 240 दे करीब उस टाइम दे विच उन्हां दे बंदे होस्टेज बना ले सी, लै आंदे सी, गिरफ़्तार कर ले सी। पर उस तो बाद जो इज़राइल ने किया वो बंब मारने तो हटते नहीं पे, वो अज तक बंब मारी जांदे ने, हुण तक बंब मारी जांदे ने, जिहड़ा कि एक बहुत ही घिनौना मनुखता लई, इंसानियत लई एक दरिंदगी है, जिहड़ी एक बहुत ही माड़ी गल हैगी आ। ठीक है, असीं इह गल नूं समझदे हां कि जिहड़ा हमस ने 1400 बंदा उन्हां दा मारिया आ जां बंब मारे ने, उहदे पिछे की कारण सी सानूं जद तक आपां उह नहीं देखदे उदों तक अपने गल पूरी तरह समझ नहीं पैंदी कि किस तरह यह जिहड़ी लड़ाई आ असल दे विच पिछली सेंच शताब्दी की सेंचुरी की चलती पई आ। तो 1948 दे विच जदों फलस्तीन का एक हिस्सा दे के इज़राइल उत्ते बिठाते, इज़राइल बनाता, उस तो मगरों यह लड़ाई दे विच हर रोज़ इज़राइल वालों घट्टो घट 8-10 बंदे मार दिए जाते हैं, तो उन्होंने जमीन खोह ले, उन्होंने घर खोह ले ने। तो इस दे विच जिहड़े मेरे साजिद वीर जी ने, सजाद जी समाप्त करना हाँ जी, तो ये इत्थे दे पढ़े लिखे ने, इत्थे दे जंपल है, वोलसल दे ब्राउट अप होए ने, तो इत्थे इन्हां ने MSc वगैरह, अकाउंटेंसी वगैरह सब कुछ किए, हाईली क्वालिफाइड ने। तो अपने विचार ये दसणगे कि किस तरह असल दे विच की रीजनज ने, किस तरह हमस जां जिहड़ी लड़ाई आ अज आ किस पड़ाव ते आ, तुसीं किस तरह देखदे हो? ये शुरू है अज का की गल नहीं है। हाँ जी, ये 1896 में था ज़ायनिज्म। हाँ जी, ये वहाँ अमन था, वो ऑक्यूपेशन थी, वो ऑटोमन की हाँ, रूल हाँ, थी। हाँ देखो जी, आप सॉरी माफ करना, आप पिछे तुसी बीच देखते दे पे हो, जरा फलस्तीन सी इस तरह का, इन्ना सोहना फलस्तीन हाँ, इस तरह सोहनिया हाँ, बीचीज से हाँ, यह 1944 की फोटो हैगी है। हाँ जी, आबादी बहुत अच्छी हाँ, रिहायश में रहती थी, तो ताई इन्होंने
ऑटोमन रूल था वहाँ पर, तो वहाँ सब यहूदी भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते, ईसाई भी रहते थे, मुसलमान भी थे, जो जरा जिसका नई मजहब था वो भी वहाँ अमन के साथ रहते थे। तो जब 1896 में थियोडो हर्ट्ज़वेल ने यहाँ यूरोप में वो एंटी सेमिटिज्म बहुत था, वो एंटी सेमिटिज्म होता है जो यहूदियों के खिलाफ की जाए बात, तो इसने हिटलर ने किया। हाँ, वो हिटलर ने तो 1948 में किया, लेकिन वो वैसे एटमोसफेयर बनाया गया था, यहूदियों के साथ सख्तियाँ बहुत थी, तो इसने कोशिश की। लेकिन ये ज़ायनिस्ट अलग होते हैं, इनका ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, इन्होंने कोशिश की हमारी इसराइल यहूदियों की एक मुल्क सेपरेट हो गए, तो वहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ था। तो इन्होंने इनका एम था क्रिएट ज्यूइश स्टेट इन द मिडल ईस्ट फलस्तीन में, तो फिर वहाँ से पॉलिटिशियंस को प्रेशर किया है, फिर वर्ल्ड वॉर वन भी आई थी 1917 में, तो वहाँ से इन्होंने ब्रिटिश बेलफोर डिक्लेरेशन उनके साथ एग्रीमेंट की थी जे ये फलस्तीन हमें चाहिए। तो पहले तो थोड़ा बहुत उनको मिला था, लेकिन फिर डिसग्रीमेंट हो गए थे, लेकिन फिर जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता ना, तो वहाँ जो इन्होंने बम्बारी ज़ायनिस्ट है ना, वो किंग सोलोमन होटल था, जो वहाँ ब्रिटिश के सोल्जर वहाँ रहते थे या पॉलिटिशियन भी थे, वहाँ से वहाँ बॉम्बिंग की थी इन्होंने, तो वो जो ब्रिटिश आर्मी थी ना, वो वर्ल्ड वॉर टू में थकी हुई थी, तो वो बाहर निकल गई थी, तो इन्होंने इनके पास बहुत असला था, यूरोप की कंट्रियों ने इन्होंने असला दिया जो ज़ायनिस्ट को, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी हमला किया था 1947-48 में, वहाँ कम अज कम 700,000 फलस्तीनियों ने डिस्प्लेस किया है, वो क्या 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 कहते हैं नस्ल काशी किया है, नस्ल काशी तो वो उन्हें वो एथनिक क्लेंजिंग की है, तो वो वहाँ वो जो 1948 में जॉर्डन में चले गए, इजिप्ट में गए, लेबन में चले गए, तो वहाँ से ये सब कुछ शुरू हो रहा है। ये आज 7 अक्टूबर का ये नहीं था, ये 1948 शुरू थी। हाँ, तो वो कुछ नहीं, वो सोचते नहीं ये बच्चा है, इनका ये आइडियालॉजी है, जेरी कोई इनकी नस्ल है ना, इनको सारे सबको फिनिश दो, कोई बच्चों को ही ना फिनिश करें, ये कहते हैं ये बच्चों को ना फिनिश करें, ये हमारे खिलाफ जब बड़े होंगे ना, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हाँ एक दोस्तों साडा जिहड़ा प्रोग्राम है यह लाइव है, तुसीं इस दे विच हिस्सा लै सकते हो, इस दे विच तुसीं अपने विचार दे सकते हो, बस एक गल का ख्याल रखो कि जदों गलबात करनी है किसी ने गुस्से च नहीं करनी, एक कॉलर ने दूसरे कॉलर का जवाब नहीं देना, एक गल का ख्याल रखना, तो सभ्यक बोली दे विच आपां एक दूसरे नाल तालुकात करने ने, तो यह है तुसीं जिहनूं सानूं कॉल कर सकते हो, सो टैलीविजन उत्ते प्रो नंबर हैगा आ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0370-2246 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਅਤੇ ਜੂਇਸ਼ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੂਇਸ਼ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਬ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ हाँ, जो ज़ायनिस्ट जो अमेरिका में भी जो ज़ायनिस्ट है वो इनको सपोर्ट करते हैं, यूके में भी ज़ायनिस्ट है, यूरोप में भी, वो जहाँ वो सारे ये इनका ग्रुप है ये इनको सपोर्ट करते हैं। हम जब प्रोटेस्ट जाते हैं लंदन में, हाँ जी, खासतर लंदन पर होते हैं, जो यहूदी वहाँ बहुत होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, हम सब मिलजुल के इनके खिलाफ मज़ाहरा करते हैं, ये जो कर रहे हैं ना ये गलत कर रहे हैं, यहूदी हमारे साथ हैं, क्योंकि ये दीन का या मज़हब किसी मज़हब की लड़ाई नहीं, ये इंसानियत की लड़ाई, आप यहूदी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो कुछ आपका मज़हब है, लेकिन ये इंसानियत का काम है, ये मज़हब की लड़ाई नहीं, क्योंकि जो बर्बारी हो रहे हैं वहाँ पर वो जुल्म हो रहे हैं, कोई इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ, जो आप सारे देखते हैं कि जो बच्चा है, बच्चे का कोई मजहब नहीं होता, बच्चा तो बच्चा है, एक नादान है, एक
खिलदाया फुल है जिन्हों असी ये बंबा ने मदोड़ता सदा लई उन्होंने सवा दिता तो उस दे विचों जिहड़ी हैगी है कि ये असी गल का ख्याल रखते हैं कि असी ये नहीं कहिंदे कि कोई भी इहदे विच मजहब जाति कर रहा ये एक असल जी आप मैं जिदा कि थोड़ा सब पता कि असं हमेशा कहने तो जिहड़ियां लड़ाइया आ बहुती लड़ाइया दुनिया के मार्केट दड़ाइया मंडी दियाँ आ ये पिछे भी फलस्तीन पिछे भी उत्थे पता लगता पाया कि उन्होंने पता है कि थले तेल हैगा ये थले मिनरल्स है वो इन्हों अज तो 20-25 साल पहला इन्होंने उत्थे खुदाई भी की सी ये कुछ भी हैगा नाल जिहड़े नाल रिवर्स ने फलस्तीन के नाल उन्होंने बहुत यूजफुल ने। हाँ जी हूँ वो जो मेडिटेरियन सी में वहाँ तकरीबन 20 साल हो गया वो गाज़ा का ऑयल फील्ड गैस फील्ड बनता है लेकिन ये जो यूरोप वाले ने इन्होंने ज़ायनिस के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है क्योंकि वो रशिया के साथ वो गैस लाइन स्टॉप हो गई है तो इन यूरोप को गैस चाहिए तो उन्होंने यही चाहते हैं जो ये गाज़ा का गैस फील्ड है जो इनके कब्जे में आए ये सब गैस वहाँ से यूरोप में आवे। और जो आपने बात की थी जो पानी का सिस्टम है वो कोशिश करें जो नाइल रिवर है ना जो सुवेज कनाल वो सुवेज कनाल इजिप्ट के कंट्रोल में तो ये चाहते हैं वहाँ से गाज़ा से इकोल निकालें जहाँ सब वो जो बैरी जहाज हैं वो वहाँ से निकलें वो बिजनेस सारी इनके पास आवे। हाँ आप सारे समझते हैं कि जे असल कि देखो जी सब तो बड़ी गल जी देखने वाली है जी लड़ाई चलती पी है ये जोड़े ज्यूइश ने उत्थे दे भी जिन्हां मावां दे पुत जिन्हां मावां दी तियां जिहड़े प्यो किडनैप हो गए ने जिन्हां जिन्हां नूं चक्के लिया होस्टेज बने हुए ने वह भी रौला पाउंदे ने कि नहीं ये लड़ाई बंद होनी चाहिए आ जिहड़ी हो गई सो हो गई जिहड़ी लड़ाई आ इहदे विच्चों कदे भी जो देखा जाए कोई खास नहीं निकलता हैगा तो जाबरां दी लड़ाई दे विच खास करके जिस तरह ये इजराइल एक इजराइल का तो फिलस्तीन का लड़ाई का कोई मुकाबला नहीं एक्चुअल तो इजराइल नहीं दूजे लफ्जों के अमेरिका लड़ता पाया जिस तरह तक लोग जोड़े खोजकार ने जो लोग दसते हैं वो ये दसते हैं पोलिटिशियन के लड़ाई असल इन्नी बुरी बनाई है जी ये उन्होंने जोड़े हसान बंब उन्होंने बंब जे जहाज लड़ाकू जहाज ने जोड़े इजराइल के उन्होंने मुकाबले वो दुनिया के सब तो मॉडर्न जहाज ने जोड़े हिसाब से अटैक करते पे एंड पिन पॉइंट करके वह बंब मारते हैं जोड़े हिसाब से चलते पे ने तो जो सब तो बड़ा साडा अज का भी जो सा वा कारण वो ये है कि जोड़े हस्पताल के जोड़े लड़ाई चलती है पहली गल तो वह भी माड़ी है लड़ाई क्यों किसी मारना असं यह गल हम ही भरते हैं कि असी नहीं कहते कि कोई बंदा किसी मारे निकी निकी गलों पिछे इस तरह तबाही जोड़े लैवल पर की गई है हूँ इस टाइम सजाद जी दसते कि लगभग किन्ने तो मैं 12,000 ये 7 अक्टूबर तो लेके 20 नवंबर तक यूरो मेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने उन्होंने फिगर दी है ये फिगर है 17,144 किल्ड उनमें से 7,200 बच्चे हैं और 3,716 औरतें हैं। वो जो गाज़ा की जो पॉपुलेशन है ना वो 2.3 मिलियन है तो वो जो गाज़ा का साइज़ है रफली सिर्फ 26 माइल्स है तो उस जगह बहुत थोड़ी जगह है लेकिन 2.3 मिलियन पॉपुलेशन ओवर 50% जो 2.3 मिलियन का पॉपुलेशन है वो बच्चे हैं क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं ना जो ज़्यादा उम्र के वो कई बार मार चुके हैं। हाँ जी देखो दोस्तों सब बच्चों के मारने सब तो ज़्यादा दुख लगता है जब बच्चे देखते हैं। हाँ जी कांसी टीवी ते आपका स्वागत है जी। हेलो जी मैं मोहम्मद बोल रहा सर। मोहम्मद जी आपका स्वागत है कांसी टीवी ते। मैं कुछ अपने दसना चाहना मेरे ख्याल के मुताबिक जी जंग है 1967 जो इजराइल ने अमरीका की मदद नाल नेबरिंग कंट्री जड़े ने जॉर्डन सीरिया इजिप्ट वेस्ट बैंक सिनाई ते गोलान ते कब्जा किया अपना। मोहम्मद जी तुम स्पीकर ऑफ कर लियो अपना स्पीकर ते ना तुम फोन स्पीकर ते लाया होया कहंदे ने कि इन्हां ने इलीगल साडे मतलब साडे इलाकियां ते कब्जा किया ते ओदे च मतलब जरूसलम जिन्नू अलकुद्स कहंदे ने जिथे अक्सा मॉस्क
ਉੱਥੇ ਬੈਥਲਹਿਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਜਾਂ ਵੇਲਿੰਗ ਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਰੇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮੀਰੇਟ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਛ ਐਨਾਲਿਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਔਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਲੇਕਿਨ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਰੂਸਲਮ ਔਰ ਯਾਸਰ ਅਰਫਾਤ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਅਲਹਿਦਾ ਸਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਸਰ ਅਰਫਾਤ ਬੜਾ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਲਕੁਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਕੁਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 67 ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਵਿਦ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਾਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨਾਟ ਟੈਰਰਿਸਟ ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸਜਾਦ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਓਕੇ ਇਸ ਇਸ ਬ੍ਰਿਟਨ ਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਸ ਕੋ ਹਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਆ ਯੂ ਆ ਟੈਰਰਿਸਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਕੇ ਹਮਾਇਤ ਮੈਂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਲੋ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਕੋਲ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੈਲਸਤੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਇਨਕੋ ਵੋ ਜੋ ਹਮਾਸ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਟਨ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੀਆ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਸ ਕੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਹਮਾਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਸਕੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪ ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਡਰੋਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲਰ ਨੇ ਕੌਣ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾ ਜੇ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੀਪਲਸ ਵੋਇਸ ਟੀਵੀ ਆ ਉਹ ITF veterans ਕੇ ਸਾਥ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਈਡ ਜੋਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਥੀ ਵੋ ਪੀਪਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਪੀਪਲ ਵੋਇਸ ਟੀਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾ 1 September ਕੋ ਗਾਜ਼ਾ ਕੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਇਲਾਕੋ ਮੇ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੀਮੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਅਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਸ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਹਮੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੀਮ ਮੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਵੋ ਜੋ ਅਸਲਾ ਥਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ 10 September ਕੋ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਮਿਊਨਿਸਪਲਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ ਇਹ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਕੇ ਬੋਰਡਰ ਪਰ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡੇ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਕਟ ਡਾਊਨ ਹਮਾਰੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਵੈਂਟ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਗੇ ਸੋ ਇਨਕੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਥਾ ਇੱਕ ਰਬਾ ਯੂਸਫ ਮਰਜ਼ਾਈਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਇਨਸਾਈਡ ਜਾਬ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੈਜਲੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ ਜਗਜੀਤ
ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਈਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫੈਲੀ ਕੇ ਜਰੂਰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਚ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ 1944 ਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਰ ਸਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪ 'ਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਈ ਕੌਲ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਯੋ ਜੋ ਹੋਟਲ ਥੇ ਬੀਚ ਥੇ ਯੋ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਨੇ ਦਿਆ ਥਾ ਨਾ ਆਫਟਰ 1948 ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਰਾਨ ਇਲਾਕਾ ਥਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਥਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਮਨੇ ਇਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਹਮਨੇ ਪਾਣੀ ਕਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕੀਆ ਹੈ ਹਮਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕੋ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਯਹੀ ਉਨਕਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੀਪਲ ਵਿਦਾਊਟ ਲੈਂਡ ਟੂ ਲੈਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਪੀਪਲ ਮਤਲਬ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਥੀ ਤਾਂ ਹਮ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਗਏ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਟੀ ਵੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵੀ ਥੀ ਲੈਜਰ ਥੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਸ ਥੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਵੀ ਐਸਾ ਥਾ ਵੈਰੀ ਪਾਪੂਲਸ ਵੈਰੀ ਪਾਪੂਲਰ ਥਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਾ ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਕੁਝ ਹੋ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਵਹਾਂ ਸੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਓਇਲ ਗੈਸ ਇਹ ਵੀ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਥਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਵੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਾ ਸੋ ਵੋ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਥਾ ਵੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਥਾ ਵਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿਤੀ ਥੀ ਤੋ ਵੋ ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਥੇ ਔਰ ਈਸਾਈ ਵੀ ਥੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜੂਇਸ਼ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੱਤਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਹਤੀਆਂ ਦੋਹਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਜਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਕੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਫਲਸਤੀਨੀਓ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਕੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਕੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਗਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋ ਹਮਾਸ ਉਨਕੋ ਹਿਊਮਨ ਸ਼ੀਲਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਨਕੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲੈ 2.3 million ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 26 miles ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਵੋ ਕਹਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਏ
हाँ जी नाले जिहड़ी अपने सजाद जी जी कलैक्टिव पनिशमेंट है देनी इस टोटली रोंग हैगी हाँ जे किसी के बाबे ने काम को किया तो उसके सारे परिवार को कुटना मारना एक ये वो क्राइम्स गिनी जाती हैं जो उनकी हमायत करते हैं ना हमारे इंग्लैंड में भी हमायत हो है उनकी ये जो करते एग्जाम्पल देते हैं उन्होंने सबका पानी बंद कर दिया है इलेक्ट्रिक बंद कर दिया खाना पीना वो गाजा में आ ही नहीं सकता तो वो क्राइम्स हो सकती हैं हम पूरे यूरोप ने उनकी हमायत की है कहीं आपने व्यूज ने आपने देखा होगा टीवी पे यहाँ आके वो कहते हैं इज़राइल का राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ लेकिन ये वो क्राइम हैं के खिलाफ है तो उन राफा बॉर्डर जो इजिप्ट के साउथ गाजा में है वो इजिप्ट के साथ मिलता है वहाँ ट्रक की कई लाइनें लगी हुई हैं वहाँ यहाँ से भी खाना गया है और अरब मुल्क से भी वर्ल्ड दुनिया से मुल्कों ने भेजा है वहाँ ट्रक भेजे हैं ये गाजा में खाना जाए लेकिन उन्होंने सब कुछ बंद किया हुआ है कोई मेडिकल एड भी नहीं जा सकती मेडिकल सब कुछ बंद है तुम देखा होना कि अज सवेर की गल है कि बच्चे जिहड़े प्रीमेच्योर बच्चे ने वो बच्चों जिन्हों का एक मशीना ही जब तक चलती है जब तक उन्होंने जिंदगी होंगी है बच्चे की तो उन्होंने बच्चों भी उन्होंने माफ़ नहीं किया उन्होंने हम कोई लैके जाने के लिए कोई मदद नहीं की कुछ नहीं वो इजिप्ट वाले लैके गए ने सवेरे उन्होंने मैं सुनया इन्होंने बॉम्बिंग की थी अल शिफा हॉस्पिटल हाँ जी हाँ तो एक नेक्स्ट हॉस्पिटल है वो इंडोनेशिया का लेकिन अभी स्टूडियो में आने से पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी वो जॉर्डन का भी हॉस्पिटल है तो उन्होंने जॉर्डन को भी कहा है हम इस हॉस्पिटल को भी अटैक करेंगे उनका यही एक्सक्यूज बाना बनाते हैं ये अंडरग्राउंड यहाँ हमास है लेकिन अल शिफा हॉस्पिटल में इन्होंने गया है कब्जा किया है बमबारी किया है लेकिन कोई हमास का कोई सोल्जर नहीं मिला तो जो इन्होंने जो टनल्स दिखाते वो इन्होंने बनाई है इनका जो रिपोर्ट आज CNN में था CNN प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इंटरव्यू किया था उसने कहा ये हमने टनल थल्ले बनाई थी हमने वो बंकर बनाए थे ये हॉस्पिटल को ज्यादा फैसिलिटी हो जाए उनका कब्जा था ना तो हमने ये जगह बनाई है लेकिन इजराइल को पता होने का पता है तो ये बहाना बनता है तो उनको एक्सक्यूज लेकिन फिर भी अगेंस्ट जिनीवा कनेक्शन है जिथे आम पब्लिक होती है सिविलियन होते हैं सिविलियन की कैफो लुक आफ्टर करनी पड़ती है वो मैं उतने पूरी आर्मी हूँ मिसाल देते अमेरिका में आप देख लो कई बार शूटिंग होती है वो गनमैन स्कूल में चला जाता है लेकिन पुलिस वाले देखते रहते हैं जब उस सिर्फ उस गन को हम मन को हमने मारना है पूरे स्कूल को लेकिन यहाँ पे पूरी दुनिया जो लीडर है पब्लिक जो दुनिया की पब्लिक है ना वो फलस्तीनियों के साथ है जो पब्लिक दुनिया के लीडर है ना सम ऑफ द लीडर यूरोप के हो गए US के हो गए ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं वो इन ज़ायनिस्ट की हिमायत करते हैं अरब मुल्क भी इनकी हिमायत करते हैं लेकिन जो वर्ल्ड है ना दुनिया में आज मज़ारे हुए हैं डेमोंस्ट्रेशन हैं प्रोटेस्ट अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए हैं ब्राज़ील में हुए हैं साउथ अफ्रीका ने वो ज़ायनिस्ट इसराइली एम्बेसी उन्होंने बंद कर लिया उनको कहा एम्बेसडर यहाँ से निकल जाओ तो वो अपने एम्बेसडर बुला ले साउथ अफ्रीका ने सब तो मैं ज़्यादा स्टैंड बेस्ट लिया है ब्राज़ील तो वैसे जिहड़ा अपन देखते हैं कि डबल स्टैंडर्ड भी रखा है जिहड़े मगरमच्छ के हंझू है वह भी बहाउंदा अमेरिका जिस तरह करता एक पासे तुहानूं देखिया होणा जदों लड़ाई 7 अक्तूबर तो दिन 8 अक्तूबर उत्थे इन्हां ने शायद 9 अक्तूबर में अपने बड़े बड़े जिहड़े शिप सीगे उह लिया के खड़े कर दित्ते सी अमरीका ने ते इंग्लैंड ने ते उदों बिल्कुल कहिंदे सी कि असीं छड़ना कुछ नहीं कहना ते अज जदों देखिया कि इन्नी तबाही हो गई है लोग हाहाकार करते हैं लोग फलस्तीन के नाल खड़ते पे ने तो इन्होंने भी अपनी बोली चेंज बदला ली है हुण अमेरिका भी कहता बाइडन भी कहता कि नहीं छेती समझौता होना चाहिए दवाइया जानी चाहिए
ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਹਮਸ ਨੇ ਜੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਹਮਸ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਜਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਮੈਨ ये अक्यूज़ करते हैं वहाँ हमास हैं, वो टेररिस्ट हैं, जो भी हैं कुछ हैं, लेकिन जो वेस्ट बैंक है जो जॉर्डन के साथ मिलता है वहाँ तो हमास नहीं, वहाँ तो फत्ता का है, वो PLO का गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर जो जहाँ जरूसलम है मस्जिद अल अक्सा है वो हमारी इस्लाम में बहुत हमायत लेती है, तीसरी इस्लामिक जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ तो लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने बच्चों को मारा है, घरों से बच्चों को अगवा किया है, औरतों को मारा है, तो वो अटैकिंग करते हैं। वो आपने जो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन किया था वो जो जनरल ग्रोथ होती है ना वो ऑलिव्स की होती हैं, खजूरों की होती हैं, वो उनकी आमदनी होती है, उन्हीं रोज़ी वहाँ से निकले। लेकिन जिसे हम ये वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं सेटलर्स, ये हम कहते हैं, मैंने तो उनका नाम ज़ायनिस्ट ही रखा है, वो उस जगह को कब्जा करना चाहते हैं, जो उनके दरख्त होते हैं ना, फल फ्रूट जो कि होता है वो या जब कर लेते हैं या उनको आग लगा देते हैं, जो उनकी आमदन है ना साल की तो आमदन चली जाती है, वो कहाँ से पैसा ले, तो वो कहते हैं हम वेस्ट बैंक में हम कब्जा करेंगे। सो ये डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी है, वो ये कहते हैं, ये चाहते हैं ये इन पर ज्यास्ती हो जो फलस्तीनी हैं यहाँ से भाग जाएं। हूँ आप कैसे देखते हैं कि अभी सॉरी मैं अभी हूँ किदा तुम देखते हो भाई चाइना के विच परसों मीटिंग सी शायद ते रशिया अज मास्को दे विच हो रही है जिहदे विच सऊदी अरेबिया ते इजिप्ट दे बंदे गए हुए ने, जॉर्डन दे बंदे गए हुए ने, भी समझौता होना चाहिदा आ, ते की लगदा समझौता छेती होगा किस तरह जांदा पिया होना चाहिए, क्योंकि जो मुजाहरे हुए ना लंडन, जो मैं चार मुजाहरे में था लंडन गया हूं, हां मैं भी जा चुका हूं, पहले मुजाहरे में 150,000 पब्लिक था, सेकंड में 300, तीजे में 500,000, जो 2 weeks ago हुआ था और रफ लंडन में 750,000 to 800,000 लाख लोगों ने, लेकिन वो मिक्स आबादी थी, वो मुसलमान भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे, इंग्लिश भी थे, वाइट एवरीवन, क्योंकि वो जो जुल्म हो रहा है ना सारी पब्लिक उसके खिलाफ है, तो जो ये पब्लिक प्रेशर पड़ता है ना तो गवर्नमेंट भी सोचे हूँ इन्होंने बहुत जास्ती कर लिया, फिर बाकी भी जाग उठते हैं जे हम कुछ ये स्टॉप करें तो थोड़ा बहुत होएगा शायद, लेकिन वो जो मेन प्रॉब्लम है ना जो फलस्तीन पर कब्जा हुआ है वो कब्जा फिनिश होना चाहिए ताई अमन होएगा, ये कब्जा ना फिनिश होए क्योंकि ये ज़ायनिस्ट चाहते हैं हम पूरे फलस्तीन नॉर्थ तक लेबनन साउथ तक इजिप्ट और जॉर्डन रिवर से लेकर मेडिटेरेनियन सी वो फलस्तीन गिना जाता था, लेकिन इन ये चाहते हैं ये सब हमारा हो जो फलस्तीनियन यहाँ से बाहर निकल जाए, और फलस्तीन में थोड़ा थोड़ा है इजिप्ट चो भी कुछ को नहीं लेना चाहते, लेबनान चो भी लेना चाहते, हर पास अटैक भी अज तुसी शायद सुनया होगा कि इन्होंने लेबनान दे विच भी जाके उत्थे जिहड़े एक अपने सीगे रिपोर्टर सीगे उन्होंने उत्ते जाके भी इन्होंने अटैक किया जिदे उत्ते 3 रिपोर्टर मारे गए हैं, तो क्योंकि वह सिर्फ जिस तरह असी बैठे असी यह कहने कि जिद नाल जाति हुंदी जाति करने वाला उसनू रोकना चाहिए, तो वह जो लोग जे जर्नलिस्ट से वह भी लोग इस तरह के सी कि भाई ये लड़ाई गलत हैगी इज़राइल नू बंद करनी चाहिए, तो उन्होंने इस दा जिहड़ा इवज़ाना आ वो ये भुगतना पाया कि उन्होंने 3 मार दिते हैं, तो उन्होंने 5-6 मैं शायद सिविलियन भी मार दिते हैं। हाँ हूँ जो यूरो मेडिक मेड है ना ह्यूमन राइट्स मॉनिटर 7 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक 60 जर्नलिस्ट, आप ही जर्नलिस्ट हैं, आप क्या कहते हैं हम रिपोर्टिंग करते हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम रिपोर्टिंग करते हैं क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया है 60 जर्नलिस्ट को, यूरो मेड ने उन्होंने ये उनको इन्फॉर्मेशन मिली है जो इक्विपमेंट उन्होंने टारगेट किया उन जर्नलिस्ट को, जो इक्विपमेंट इनके पास था ना ये ज़ायनिस्ट ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो रिपोर्टिंग का रिपोर्टर का इक्विपमेंट होता है कैमरा सिस्टम होता है फ़ोन होता है ये कि उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, फिर जब
वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो देती हैं रिपोर्टरों को, तो वो उनको पता है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये फ़ोन है, ये ट्रैकिंग सिस्टम होता है, हमें पता लग जाता है हम कहाँ हैं। उन्होंने ऐसे ट्रैक किया हुआ है रिपोर्टर, तो उनको पता है ये इतने रिपोर्टर है, इसको बम मार दो। कई बार गाजा में वो अब उनके घर को बमिंग किया, क्योंकि वो चाहते हैं ये रिपोर्टर इंफॉर्मेशन आने का। उन अलजीरा लास्ट ईयर वो नाम भूल गया, वो अलजीरा का कॉरेस्पॉन्डेंट ओडर थी, उसको भी गोली मार दी क्योंकि वो रिपोर्ट करती यहाँ जुर्म क्या हुआ है, ये कोशिश कर। लेकिन यूरोप में सब कुछ क्वाइट है, कुछ नहीं कोई कहता, ये रिपोर्टर को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इंटरनेशनली रिपोर्टर और जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं। हाँ जी काशी टीवी से आपका स्वागत है जी। जी हाँ फकीर चंद जी, देखो जो अज आपने जी लड़ाई लगी हुई है, हाँ जी, क्योंकि ये पहले तो कारण जानने की लोड़ है, पर तुसी जिक्र भी किया। हाँ दसो, तुसी भी दसो जरूर। हाँ जी, क्योंकि जो पहली वर्ल्ड वार जी लगी सी, हाँ जी, 1914 देखो भी उस वेले जेडे एम्पायर सिगे, जब कोई लड़ाई लगती है पता नहीं होता भी कल खत्म होनी है। उस वेले जेड़ा ब्रिटिश एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग सी, और उस वेले जेड़ी लड़ाई भी होर तरह लड़ी जाती सी, ते उस वेले तो ते नजर मार के देखो भी जेड़ी ग्राउंड फोर्स सीगियां वो ज्यादा ब्रिटिश इंडिया दियां सीगियां, वो जानी मैं क्योंकि वो एरिया वो भी ब्रिटिश का एम्पायर का पार्ट सी, और उन्हें मतलब इन्हों के नाल होके लड़िया। और उस वेले जिहड़ा ऑटोमन एम्पायर जिहड़ा जिक्र भी किया वो बहुत ताकतवर सी, पर दूसरे पासे वो जिउं जिउं लड़ाई अगे वधी है, और जिस वेले जिहड़ा हुण हुणे मना के हटे आ आर्मिस्टिस डे 11 नवंबर नूं जिहड़ा मनाया जांदा, हां जी, जिस वेले वो मतलब लड़ाई मतलब जर्मन जिहड़ा हार गया और ऑटोमन एम्पायर भी हार गया, क्योंकि उस वेले इत्थे दी गवर्नमेंट ने जिहड़ा डेविड लॉयड जॉर्ज सी जानी उन्हें इत्थे हाउस ऑफ कॉमन्स दे विच डिक्लेयर किया भी बहुत देर तो यह मंग आ भी उत्थे इसराइल मुल्क की स्थापना होनी चाहीदी है। उन्हें कहा भी असीं यह मतलब रेजोल्यूशन पास करते हैं भी इसराइल जिहड़ा है वो असीं बनावांगे, ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦ ਟਰੀਸਾ ਮੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। 1939 ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੱਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਬਦਲੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ UNO ਬਣਿਆ। ਇਹਨੀ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ UNO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨੀ ਜਾਣੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1918 ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੀ ਉਹ UNO ਜਾਣੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 14 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਪਜੀਵ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1948 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਜਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਮਾਸ ਆ, ਹਮਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਲੜਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਇਹ ਹਮਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਵੀ ਇਹ
ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸਲਾਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਯੂਐਨਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਚਾਹੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਵੀ ਪੀਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਜੀਓ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਆ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਫੇਥ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੜੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਲਨ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟੀਸਾ। ਕਿਤਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਏ ਗਏ ਫਲਸਤੀਨੀਓ ਕੀ ਹਮਾਇਤ ਕੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ US ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਜੋ ਇਰਾਕ ਕੇ ਸਾਥ ਹੁਆ ਥਾ, ਸਦਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਨੇ ਇੱਕ UN ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਆ ਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੋ 1947-48 ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੋ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨਕਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਕਾ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਕਾ ਹੈ। ਲੈ ਲਈ ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਆਨਮਾਰ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹਰ ਫਿਰ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਆਨਾ ਰਵਈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਬਿਗਰ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਰਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਲੜਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਥ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਫੈਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾਦਤਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਰ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ, ਇਹ ਇਸ ਹਫਤੇ 25 ਸਪਟੈਂਬਰ ਕੋ ਲੰਡਨ ਮੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ, ਜੀ
पूरे इंग्लैंड से कॉल है कि वहाँ पर आप आए हमायत करें, ये गवर्नमेंट को प्रेशर जाए, वर्ल्ड को पता लगे ये सीज फायर होना चाहिए। कई आदमी कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन रफली 7 बिलियन है, हर कोई कहेगा मैं ही नहीं कर सकता, मैं, लेकिन मिलजुल के हम सब कुछ कर सकते हैं। ये जो यहाँ से जब प्रोटेस्ट हम करते हैं ना, ये तस्वीरें फिलिस्तीनियों को मिलती हैं, लेकिन उनको ज़्यादा जोश आता है क्योंकि हमारी हमायत कोई करे, इंटरनेशनल लीडर उनकी नहीं हमायत करते। लेकिन हम पब्लिक जब स्ट्रीट में आते हैं, रोड पे आते हैं, जो लंदन कैपिटल उनके रिपोर्ट जाती है ना, ये लंदन में हुआ है या न्यूयॉर्क या सिडनी में या जो कैपिटल सिटीज़ है ना, वो इतना मजाहरा हुआ है, 1 मिलियन पब्लिक स्ट्रीटों में आ गई है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स हैं वो इनके साथ हैं, जो ज़ायनिस्ट के साथ, जो पब्लिक है ना वो फ़िलिस्तीनियों के साथ है। जब उनको पता लगता है इतनी पब्लिक हमारे साथ है, उनका जोश बढ़ जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि 25 सितंबर को सब शामिल हो। हाँ दोस्तों, मैं एक असं कहना दसदे हाँ कि साढ़े कॉलर्स के ख्याल तो जे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रजेंटर है इन्होंने ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन को लेना देना नहीं, ये अपने ख्याल ने। तो जे कोई हम कोई भी गल करते हैं साढ़े को किसी ने भी कोई गल गलत कह हो या दिल कोई दिखाया हो, असं माफ़ी जा चुके हैं, तो ये साढ़े अपने ख्याल ने। तो असी जी गल करनी चाहते कि जोड़ा साढ़ा असी ना असी हमस की सपोर्ट करते हैं, तो ना कि असी सिर्फ ये कहने कि जी लड़ाई है ये बंद होनी चाहिए है, जिद एक बच्चों मारिया जा रहा, खास करके जोड़े एक खास गल हैगी कि जो देखते हैं कि लगभग जिस तरह सजाद जी ने दसिया कि 7000 तो उत्ते बच्चा ही मर चुका है। इस तो यह एक बहुत बड़ी मनुखता लई अज इस 21वीं सदी के इस तरह का होना कि जो हर इंसान को खाण पीण इन्ना कुछ है, तो उसके बावजूद भी वह क्यों असं लड़ते पे हैं, वो किहड़े कारण है तुहाड़े लिए वड्डा सोचण दा कारण, की गल्लां ने जिहड़ियां मनुख नूं मनुख नाल लड़ाउंदियां, कि आम आदमी आदमी नाल लड़ना चाहुंदा जां इहदे पिछे सरकारां ने ते जां इंटरनेशनल बड़ियां कारपोरेट ने, इह की गल है कि प्रॉफिट दी लड़ाइयां ने कि जां रोटी रोजी दी लड़ाइयां ने, इह तुहाडे लई सारां लई सोचण लई हमेशा असीं गल करदे हां कि इह तुहाडे सोचण लई है, किस तरह नाल मनुखता लई इंसानियत लई असीं चंगा कर सकदे हां, चंगे राह ते पा सकदे हां। तुसीं पा सकदे हो, तुसीं सरकारां बणाउंदे हो, तुसी सब कुछ बनाया आया, तुसी जे चाहो सब कुछ कर सकते हो। इत्थे इंग्लैंड दे देखते पे हैं कि कई जिहड़े राजनीतिक जिहड़े काउंसलर ने, असी ना कहांगे किहड़े भी, उन्होंने रिजाइन किए ने, छड़ दित्तियां पार्टियां छड़ दित्तियां, इस लई कि जो कुछ है ज़्यादा होंदा पिया। हाँ जी, हाँ आपने मैंशन किया हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि कल हमारे पर भी ये वाकया हो सकता है, हम पर ना हो, हमारी जो नस्ल आने वाली है ना उनके साथ हो सकता है। या आज हम नहीं आवाज़ उठाएंगे ना किसी जो जुल्म पे हो रहे, हमारी जो नस्ल है ना हमारे लिए भी नहीं कोई उठेगा सब कोई नहीं बोलेगा। तो हमको बोलना चाहिए, आप अपने कॉलीग्स के साथ बात करें, अपने नेबर के साथ बात करें, जो जुल्म हो रहा है फ़िलिस्तीनियों का। तो जो आपने मेंशन किया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के काफ़ी पॉलिटिशियन रिज़ाइन हो गए हैं, क्योंकि जो उनके लीडर हैं ना वो हिमायत करते हैं जो जो जुल्म हो रहा है। तो जो फिर वो जो वर्कर उनके होते हैं वो तो कहते हैं हम इस पार्टी के साथ नहीं रह सकते। तो आप ही अपने एमपी को लेटर लिखें, उनसे बात करें, ये फ़िलिस्तीनियों की हिमायत को, ये जुल्म हो रहा है, ये स्टॉप होना चाहिए। तो एक कल मुझे एक और बात याद आ गई है, जो ज़ायनिस्ट ने ऐसा किया था गाज़ा के, मैं आपको कितनी बार बताया था, वो तकरीबन 26 माइल का लेंथ है, जो नॉर्थ गाज़ा में वो बॉम्बिंग करते थे। तो उन्होंने कहा, वो जो सिविलियन पॉपुलेशन थी ना उनको कहा आप साउथ गाज़ा में चले जाएं, वो सेफ रूट उनको कहा था, ये सेफ़ रूट है आप जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा किया, उस सेफ़ रूट पर भी बॉम्बिंग की है, जो पब्लिक सिविलियन थी ना वो पैदल जा रही थी, क्योंकि उनके पास और फ्यूल ही नहीं था जो गाड़ियों में जाएं, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने बॉम्बिंग की है। ये वो यही चाहते हैं जो ये फ़िलिस्तीनी है ना ये टोटली फिनिश हो जाएं, इनका कोई नाम निशान ना कुछ ना रहे। दोस्तों जिस तरह के सजाद जी ने गल की है, असल आप जिन्या भी मुश्किल ने दुनिया के बह के मीटिंगा उन्होंने सुलझाया जा सकता,
बंबारमेंट करने की कोई लोड़ नहीं होंगी, शांतिपूर्वक तरीके अपना बिल्कुल ये गलों सुलझा सकते हैं। जे बड़े बड़े मुल्क भी चाहन ये भी चाह सकते हैं, पर इस पिछे जी एक आम हैगी है कि जरा एक जी अगे गल कर दी है कि एक पिछे बड़ी है कि कुछ बड़िया ताकत जीडिया दुनिया के पिछे है ने जिन्हों च अमेरिका हैगा उन्होंने एक चाह है कि असं दुनिया के उत्ते डोमीनेट करिए, सारी दुनिया में असं अपने साढ़े थल्यो जिथे चाहिए वो हो, चिड़ियो मर जाओ चिड़ियो उड़ जाओ, वो इस तरह की चाहते कि जो असी कहने उस तरह होना चाहिए आ, पर इस तरह होंगे नहीं। इन द एंड आप सारे मनुख हाँ, कोई भी अपने उत्ते दहशत नहीं चाहता, भार नहीं चाहता। तो सिर्फ फ्यू सैकेंड के अपना एक अपने को मिनट है कि सुनेहा देना चाहते लोगों को। मैं लोगों ने एक मैं लास्ट सेंटेंस में कहा था, आप आवाज़ उठाएं फलस्तीनियों की सपोर्ट करें, आप नेबर के साथ बात करें, आप जहां कॉलीग्स हैं उनके साथ बात करें, आप एमपी को भी लिखें ये सीज़ फायर होना चाहिए, फलस्तीनियों के राइट्स मिलने चाहिए उनको। हाँ मतलब कि दोस्तों प्रोग्राम खत्म होने वाले आंदा, असी सिर्फ आ गल दस देना चाहते हैं कि असी किसी का कोई पक्षपात नहीं करना चाहते, असं ये चाहते हैं कि जो फलस्तीन जी लड़ाई चलती पी है इजराइल वालों चलती पी है, इस टाइम इजराइल भारू है, पहला वो बंद होनी चाहिए है, लड़ाई है वह बंद होनी चाहिए जिद बच्चे जोड़े उत्थे है उन्होंने दवाइया का उन्होंने जिंदगी का सवाल है तो उन्होंने बचाया जा सकता है। साढ़े को गल करते हैं कई बार कोई गलती हुई हो माफ़ जादक हैं, तो असी चाहते हैं कि जे तुम कर सकते हो इस कुछ जरूर करना चाहिए। साढ़े वालों आप सब जी प्रोग्राम खत्म हुंदा, जय गुरुदेव जय भीम जय इंसान प्यार सत श्री अकाल।